देखो हमने क्या किया, एक रिंग के सेंटर पे बी का फॉर्मूला क्या सीखा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में अगर आर का गया, पूरी रिंग ना ही सिर्फ पार्ट ऑफ रिंग यानी कि आर का गया, तो ये आर्क है, इस आर्क के यहां करंट क्या है आई, और यहां पे मुझे बी निकालना है, और इस आर्क में सेंटर पे क्या एंगल सब्टेंड किया हुआ है थीटा, ठीक। तो ऐसे केस में एक सर्कल के सेंटर पे एंगल क्या होता है हमेशा 2 पाई, तो अगर सर्कल के सेंटर पे एंगल 2 पाई है तो बी का फॉर्मूला क्या है, सर्कल के सेंटर पे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, अगर 1 है तो इसको 2 पाई से डिवाइड, और अगर सर्कल के सेंटर पे या आर के सेंटर पे एंगल थीटा है तो इस रिजल्ट को थीटा से मल्टीप्लाई। तो प्लीज ये फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें, किसी भी आर्क का ये डायग्राम नोट कर लें, अगर एंगल थीटा है तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा आई बाय आर, ये फॉर्मूला प्लीज नोट करें। तो देखो सपोज करो अगर एक सेमी सर्कल आ गया, सेमी सर्कल के सेंटर पे बी निकालना है तो थीटा क्या होगा पाई, तो थीटा आई बाय आर में थीटा की जगह पाई, सर्कल आ गया तो 2 पाई, अगर मान लो ये आर्क आ गई, आर्क ने एंगल क्या बनाया पाई बाय 4, तो थीटा आई बाय आर में थीटा की जगह पाई बाय 4, क्लियर है यहां तक राइट। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन ऑफ बी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, को ध्यान से देखना। हमने पिछले लेक्चर में या पिछली एप्लीकेशन में जितनी भी करंट कैरिंग वायर ली वो हमेशा स्ट्रेट ली, इस लेक्चर में हम सर्कल आर्क कर्व्ड ले रहे हैं, दो फिगर्स हो गई अलग अलग, और हमने डिस्कस किया कि अगर वायर स्ट्रेट है और मैं आपसे बी की डायरेक्शन पूछूं तो राइट हैंड का थंब करंट के साथ, तो अगर पॉइंट यहां पर निकालना है तो इनसाइड, यहां निकालना है तो आउटसाइड, यही रूल है। अब क्वेश्चन ये है कि सर्कल के सेंटर पे अगर करंट ऐसे जा रहा है, सर्कल के सेंटर पे बी बताओ क्या होगा, डायरेक्शन बतानी है। तो पहला स्टूडेंट आया वो कहता देखो ऐसा करो आप इसके छोटे 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 एलिमेंट लो, जैसे डीएल, जैसे यहां पर डीएल जो कि स्ट्रेट माना जाएगा, देखो ना जो एलिमेंट होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं हमेशा डीएल, फिर आप उसको स्ट्रेट मानते हुए थंब करंट के साथ लो, देखो फिंगर्स का आ रही है इनसाइड इनसाइड, जाओ भी दो इनसाइड इनसाइड इनसाइड, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। लेकिन ये ना बड़ा मुश्किल है इमेजिन करना, डीएल 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 करो, एक शॉर्टकट सीखो, ये नहीं करेंगे, शॉर्टकट सीखेंगे। अगर आपके पास एक सर्कल या आर्क है, आपको बी की डायरेक्शन निकालनी है, आप फिर से राइट हैंड लें, इस बार करंट की डायरेक्शन में 4 फिंगर को घुमाएं, ये 4 फिंगर करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड, थंब आपको बी देगा, ये देखो बी कैसे आ रहा है इनसाइड, ये देखो थंब अंदर जा रहा है, जैसे ये रहा, इसके अंदर करंट कैसे है एंटी क्लॉकवाइज, तो बी कैसे आएगा बाहर, ये ज्यादा अच्छा रूल है, कुछ भी नहीं करना। तो इसका मतलब अगर वायर स्ट्रेट है, फिर देख लो, अगर वायर सीधी है स्ट्रेट है तो राइट हैंड का थंब करंट के साथ और फिंगर आपको बी देंगी, लेकिन अगर वायर कर्व्ड है आर्क सर्कल तो 4 फिंगर करंट के साथ थंब आपको भी देगा, तो जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है, फिंगर एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब कहां आ रहा है बाहर, सही। तो रूल समझ में आ रहा है, ये रूल कैसे लगेंगे, तो इन रूल्स को अब एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं अपने एग्जांपल्स में कि कैसे लगाने हैं।